एक मिनट, हाँ, जो भारत के गद्दार हैं वो भारत के गद्दार समझ जाएं। ये इसने छेड़ा है, गलत जगह हाथ डाला, गलत लफ्ज इस्तेमाल किया है उसने, उसको कि जमीन आसमान हिल गया। ये जो कहने जिसने अमित गन ने जो गलत गुस्ताई की है, जो लफ्ज गलत बोले हैं, इसको शर्म आना चाहिए। और पूरे हिंदुस्तान के जो गद्दार भारत हैं, गद्दार हिंदुस्तान हैं, गद्दार समाज है, गद्दार इंसानियत है, वो समझ लें अब गरीब नवाज के कुत्ते अब होशियार हैं। तुम्हें गद्दारी वतन से करने नहीं देंगे, तुम्हें गद्दारी इस वतन से करने नहीं देंगे, तुम्हें गद्दारी इंसानियत करने नहीं देंगे। अब ये आवाज उठेगी, हम सब एक हैं, हम सब अहिंसा के पुजारी हैं, हम सब मोहब्बत के पुजारी हैं, हम सब प्रेम के पुजारी हैं, हम सब एक हैं। तुम गद्दारों को इस वतन से हम निकालेंगे, तुम्हें मिटा के रख देंगे। इस हिंदुस्तान में जो गद्दार वतन है, गद्दार इंसानियत है, गद्दार इंसानियत जो समाज के गद्दार हैं, इंसानियत गद्दार हैं, ऐसे गद्दारों को मिटा देंगे। अब देखना, अब तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे गरीब नवाज के कुत्ते, धार से नहीं, डंडे से नहीं, तलवार से नहीं, लेकिन रब के जलाल से तुम्हें मिटा के रख देंगे। अल्लाह का जलाल भी है, अल्लाह का कहर भी है। अल्लाह का कहर अब तुम पे नाजिल होगा, न डंडा होगा, न तलवार होगी, न बंदूक होगी, होगा तो अल्लाह का कहर होगा तुम पर नाजिल। तुम गद्दार वतन हो, गद्दार हिंदुस्तान हो, गद्दार भारत हो, तुम किसी के नहीं हो, न राम के हो, न लक्ष्मण के हो, न किसी के नहीं हो, न गीता को मानते हो तुम। अगर गीता को मानते तो ये लफ्ज अदा नहीं करते, लक्ष्मण को मानते तो ये लफ्ज अदा नहीं करते, राम को मानते तो लफ्ज अदा नहीं करते, कृष्ण को मानते तो ये लफ्ज अदा नहीं करते। कृष्ण को देख लो, अब बचपन से उन्होंने तमाम लोगों को जोड़ा और सबकी सहायता की। भूल गए तुम जालिमो, वो जालिम जो थे, मजदूर जालिम थे, उन जालिमों ने सताया, उनका अंजाम क्या हुआ तुम भूल गए? मजदूर हो, राम को सताया तो उनका, रावण का क्या अंजाम हुआ तुम भूल गए? आज भी होता है। अरे गद्दारो वतन, गद्दार भारत, गद्दार हिंदुस्तान तुम हो, समाज के दुश्मन तुम हो, तुम्हें मिटा के रख देगा अल्लाह अपने जलाल से। होश में रहना, अब तुमने देखना, अंजाम देखना, एक साल के अंदर अंदर देखना। अरे अमित देवगन, तू तो अपना अंजाम देखना, अंजाम देखना। जब देखो मुसलमान, जब देखो हिंदू, जब देखो ये समाज को घर के रख दिया। अरे शर्म करो तुम, ये हिंदुस्तान ऋषि मुनियों का है, ये हिंदुस्तान, ये भारत ऋषि मुनियों का है, ये देवताओं का है, ये देवियों का है। यहां पे बेटियों को हम देवी मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं। गमारो, तुम इस तरह की बातें करते हैं कि वो ऐसे बैठी हुई है, वो ऐसी बैठी हुई है, उन औरतों को वो लक्ष्मी है, उनको हम देवी मानते हैं। अरे तुम्हें शर्म हया खत्म हो गई? तुम्हारे घर में माँ बहनों को भी इस तरह करते हो? अरे तुम्हें मीडिया का क्या पोस्ट मिल गई, 1,00,000 रुपए तनख्वाह मिल गई, भूल के चर्बी चढ़ गई? अब देखना तुम्हारी चर्बी सारी उतर जाएगी, बिल्कुल उतर जाएगी किसी कीमत पर। अब गरीब नवाज के कुत्ते खामोश नहीं बैठेंगे। हम गुलामाने ख्वाजा हैं, हम कुत्ते हैं उधर के, और कुत्ता वफादार होता है, कुत्ता जान देता है, जान ले भी लेता है। हम तुम्हें मिटा के रख देगा अल्लाह तुम अपने जलाल से। अब हम तुम्हारे हम करेंगे। कुरान में कुल फलक और कुल नास है, ये दो ही आते तुम्हारे लिए बहुत है, दो ही सूरतें। अल्लाह अपना जलाल नाजिल कर देगा, कहन नाजिल करेगा तुम पर। जितने गुस्ताखे वतन हैं, गद्दार वतन हैं, गद्दार हिंदुस्तान हैं, गद्दार समाज हैं, जो तमाम हिंदू मुस्लिम करते हो, अरे हम तो हिंदू हूं, मुस्लिम हम एक हैं, हम आदम की औलाद हैं, खून एक है हमारा, खाना एक है हमारा, पानी एक है हमारा। अब रहिए, कोई आप कहता है, कोई जल कहता है, कोई पानी कहता है, कोई वाटर कहता है, सारी जुबानें अल्लाह ने दी हजरत आदम को, और वो सारी जुबानें अल्लाह हजरत आदम की हैं। सारी जुबानों में अल्लाह की तारीफ की जाती है, सारी जुबानों में उसका तहकीक है, उसकी इबादत की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। हम सब पूजा करने वाले हैं, हम मंदिर में पूजा करें या मंदिर में मस्जिद में पूजा करें या दरगाह में पूजा, हम सब पुजारी हैं, हम सब पुजारी हैं मोहब्बत के, हम सब पुजारी हैं प्रेम के। लेकिन तेरे जैसे गद्दार को मिटा के रख देंगे, तेरे जैसे गद्दार को अमित देवगन, अब तुझे तेरी बर्बादी का रास्ता तूने चुन लिया, खुद तूने चुना है खुद। गरीब नवाज की शान में जो कहा है तूने, बेअदबी की है, ये बेअदबी अल्लाह को बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ऐलान कर चुका है, वली मेरा दोस्त है, मैं दोस्त की बुराई बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिसने मेरे दोस्त को दोस्त, वली को दोस्त कहा, बुरा कहा, उसने मुझे बुरा कहा। और अल्लाह का जब दुश्मन होता है उसे मिटा देता है, जिस तरह फिरौन को मिटा दिया। तू आस्ते आस्ते देख तेरा होता क्या है। अमित देवगन, पहले तो केस में तू जेल में जाएगा, और जेल से बचेगा तो फिर सीधा नरक जाएगा, सीधा नरक जाएगा। सुरक्षा तो मिलने की चांस ही नहीं है तेरा और तेरे खानदान को। ये देखने चिकने,
तू बाहर रहता मुझ मुंडे चिकने गद्दार, तू लड़कियों पे औरतों पे तरह तरह की बातें कसता है, तेरी नीयत सही नहीं है। पहले अपने गिरेबान में देख, तू अपने माँ बहन माँ से पूछ तू किसकी औलाद है। कभी पूछा तूने मेरे बाप का नाम? तेरा बाप है खंजीर जिसको सुअर कहते हैं। तुझे मालूम है, तूने अकल है तुझे? अगर खंजीर नहीं होता तो आज ये बात कहता? चार किताबें पढ़ के जब तनख्वाह दे दी, गरीब नवाज नौकरी दे दी। अरे गरीब नवाज के बगैर हिंदुस्तान में पत्ता नहीं हिलता, ये अंग्रेज कह गए। अंग्रेजों को टिक के गया, भागना पड़ा और कह गए कि हिंदुस्तान में एक ऐसा मजार है जो खुद बादशाह करता है। हमारे मोदी जी जाते हैं, हमारी इंदिरा जी जाती थी, हमारे राष्ट्रपति जाते थे, इनकी चादरें जाती हैं, इनका आशीर्वाद। आज हमसे पूछे कोई, मुझसे करे कोई बात, मोदी जी आज पीएम बने ऐसे नहीं बने हैं, मुझसे पूछे बात, मुझसे पूछ। मैंने मोदी के लिए एक घंटे पौन घंटे मैंने दुआ की थी, कहीं नवाज शरीफ कराया कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री जी गुजरात में जाके पूछ। मैंने अरे नमक हराम तू कैसा चमचा है, अरे चमचा गिरी भी करे तो सही चीज कर, तो पहले मालूम तो कर किस करूंगा बे नमक हराम। अमित देवगन खंजीर की औलाद, तुझे ये मालूम नहीं था तूने किसको छेड़ा है? तूने बर्बादी चुन ली तूने अपनी, तुझे मालूम है? रोहतक में एक घंटे दुआ हुई, जाके पूछ मुनीश से कि जब नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, मैंने गरीब नवाज से दामन फैलाया, गरीब नवाज में तुम्हारे दल का कुत्ता मेरी लाज रख लेना और नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान का पीएम बना देना। ये हिंदुस्तान के पीएम बनाने वाले गरीब नवाज हैं। कुत्ते खंजीर, तू कुत्ता नहीं खंजीर है, वरना सारे कुत्ते जमा हो जाएंगे कि हम पे वफादार हैं। ये खंजीर थोड़ी वफादार, तू किसी लायक नहीं है, तू नापाक रहेगा किसी काम में। खंजीर किसी काम में नहीं आता, खंजीर गोबर किसी काम में नहीं आता। अब भैंस का गाय का गोबर से उपले बनाते हैं, वो किसी काम में नहीं आता, वो किसी का दूसरा दूध कोई नहीं पी सकता। खंजीर की औलाद, तुझे एहसास नहीं था कि तूने कहा किससे? अरे गरीब नवाज की शान में तूने कहा क्या? पूरे पब्लिक पूरी दुनिया तेरे ऊपर थू थू कर रही है, खुद पीएम तो इस पर एक्शन लेंगे, खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी, मुझे यकीन है नरेंद्र मोदी इस पर पीएम बिल्कुल एक्शन लेंगे, अमित शाह इस पर एक्शन लेंगे, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, मैं बड़े करीब से जानता हूं। तेरा तो 12 बज जाएगा, पहले कानून से नहीं बचेगा, फिर अल्लाह की मार से नहीं बचेगा, इतना समझ ले अच्छी तरीके। और मैं तमाम देशवासियों से, तमाम पूरी दुनिया से मेरी गुजारिश है, हम सब मिलकर रहेंगे, ऐसे लोगों के बहकाने में नहीं आएंगे। अगर कोई कुछ कहता है तो हमें उस पर एक्शन लेना होगा, हम सब एक होकर एक्शन लेंगे, हर हाल में लेंगे, किसी को मंदिर हो मस्जिद हो गुरुद्वारा हो गिरजाघर, हम सब एक है, हमारा है वो, हम अपना जानते हैं, ये भारत हमारा है, ये भारत की मिट्टी हमारी है, हम सब कुछ करेंगे इंशाअल्लाह, हम सब कुछ करेंगे। गरीब नवाज ने चाहा, हम भारतीय सब एक हैं और एक होकर रहेंगे। अभी कुछ देर पहले मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूं, एक देर पहले ये चीन का मसला है, मैं इस पर बनाऊंगा, क्योंकि चीन दुश्मन है हमारा, हमारे भारत की जो दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। चलिए, मैं आप सबको, पूरे हिंदुस्तान के वासियों को, पूरी दुनिया के लोगों को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरा जो भी गलती मुझसे हो गई हूँ माफ कर देना, अगर किसी की शान में या किसी को कोई बात बुरी लगी हो मुझे माफ कर देना और जालिम को मिटा देना। ये हम सब एक हो गए, एक नारा हो, या अली तोड़ दो दुश्मन की नली, या अली तोड़ दो दुश्मन की नली, रहमत को दो गली गली, दीन को फैला दो, इस्लाम का झंडा लहरा दो, हम सबको मुजाहिदीन बना दो और आगे बढ़ा दो। या अली तोड़ दो, ये दुश्मन है दीन का, या अली तोड़ दो दुश्मन की नली, रहमत को दो गली गली, दीन को फैला दो, इस्लाम का झंडा लहरा दो, हम सबको मुजाहिदीन बना दो और आगे बढ़ा दो। या अली तोड़ दो दुश्मन की नली, रहमत को दो गली गली, दीन को फैला दो, इस्लाम का झंडा लहरा दो, हम सबको मुजाहिदीन आगे बढ़ा दो। ये देश हमारा है, भारत हमारा है, भारत की हर चीज जर्रा जर्रा हमारा है, हम उसके हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक हैं, एक रहेंगे, गंगा जमुनी तहजीब में रहेंगे और जितने ऋषि मुनि हैं सब हमारे हैं, लक्ष्मण हमारे, राम हमारे, तुम कौन हो, तुम का तुम्हारा कौन है? अगर लक्ष्मण के तुम होते तो ये बात नहीं करते। चलिए, सबको मेरा दुआ सलाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरकार सब पे खैर रखे, अल्लाह सबकी भलाई करे, सब पे मदद करे, सबको कामयाबी दे और रोजी रोटी और ये बीमारी मुकम्मल दफा कर दे, ये कोरोना वायरस ये अल्लाह मिटा दे, इस वायरस को पूरी दुनिया में कायम कर दे। इन अल्लाह मलाइकातुहु व रुसूलुहु।